आपके कर्तव्य द्वारा सुंदर पुष्पहार सुंदर पुष्पार मैं भैया को जय भी करता हूँ और पूरे पूरे भाइयों का मैं शुक्रगुजार हूँ। हमारे सुदामा जी भी बैठे हैं, बहुत ही सुंदर गायक हैं, एक से बढ़कर एक गायक यहाँ पर हैं। इतना ही नहीं, राम फेर कभी जी का दिल्ली में जिस समय सिन्नी उतर रही थी उस सीन को भी मैंने देखा है। उस सीन में एक छोटा सा बालक उस समय 4 वर्ष का हुआ करता था। मैंने जब बताया कि राम फिर कभी का देहांत हो गया तो बेटा मेरे बीच में आया है, जब 4 साल का ये टुकुर टुकुर ताक रहा था राम फिर कभी की तरफ और उनका शहादरा में सिन्नी उतर रही थी। सारे जितने भी गायक कलाकार हैं, आजाद मंगेश लगाई शहाबा डेरी बवाना और बहादुरगढ़ तक प्यारू में निहारी तक सारे कलाकार जुट करके और राम फिर कभी की तरफ टुकुर टुकुर देख रहे थे। उसमें नन्हा सा बच्चा हमारे बीच में आया है, सत्येंद्र निगम हमारे बीच में बैठा है। बड़ी तमाम तरह की इन्होंने सपना सजा करके उस गीत को लिखा है, वो भी आपके बीच में पेश करेगा गीत को। लेकिन सबसे प्रसिद्ध गायक हमारे पूर्वांचल के आन बान शान हमारे राम वृक्ष भैया राम करण और रामधार राहित भाई दुरा। हम अपने दिल के लिए आए दम तलाश करते किसे हम बतलाए कि हम क्या तलाश करते खुशी के साथ राजेश बाबू खुशी के साथ गम भी बहुत जरूरी है इसी को लोग बहुत कम तलाश करते हैं इसी को लोग बहुत कम तलाश करते हैं। और आज पूरा का पूरा संतप्त परिवार उस गमों में डूबा है। लेकिन कभी जी हम लोग कभी कभी आए तो उनके मामा कही कैसे बंधन यार भैया तू कल के फचुए से तुके गजल देते हम ना रह दुनिया में तबो घे गई है ए बाबू किशोर बड़ा तुले तो नाम हो गल्ले। हम कहने की ये मामा जी ये तो आप जैसे महान कवियों की देन है जो किशोर कुमार पगला को इस भांजे को आप जैसे लोगों ने सराहा जाना और आपके चरणों का आशीर्वाद देकर के मैं उस चोटी तक पहुंचने की कोशिश किया जहां पर करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी कोई नहीं पहुंच पाएगा। रामधार राही भैया जिन्होंने अंगुली पकड़ के हमारे जैसे कलाकारों को चलना सिखाया और उनकी श्रीमती थी तो इस दुनिया में नहीं है लेकिन बड़ा प्यार उनका बड़ा दुलार मिला। मैं उनको भाभी के रूप में नहीं बल्कि माँ के रूप में मैं देखता था और कभी नहीं थे चोरी से उनके गजल धरना लेके कहा कि क्योंकि बताइए मत तू रख ले रहो हम रही चाहे ना रही तो के कोनो मौका पर जरूर काम दे। आज ऐसा दिन आ गल है कि वो कभी जी बताओ थो अपने बिटिया अपने दामाद अपने लड़का भतीजा गांव वालों से और इतना ही नहीं जिनको अपने गीतों से सजाने का काम किया चाहे राम फिर हो चाहे राम वृक्ष हो चाहे राम करण हो चाहे लालू यादव होते हैं किशोर कुमार पगला उस गजल को आपके बीच में रखने काम कर रहा है। कोई भूल भ्रांतियां हो जाए तो समझ न करिएगा क्या रहा है। राम फिर कभी चला गया नहीं, उनका विचार जिंदा है और उन्होंने वादा किया है। सुरेंद्र भैया क्या वादा किया है के जो जुदाई दे रहा है आहे उस गम से प्यार
बैदरो नगर निवासियों, मेरी माता बहने, कवि जी कह रहे हैं, मैं लौट आओ शायद, मैं लौट आओ शायद, ए मेरा मैं अपने बिटिया कांति के घर में भी आ सकता हूं, मैं इस गांव में जरूर आऊंगा लौट करके, अरे मैं लौट आऊ शायद मेरा सुदामा बाबू, हारमोनियम वादक, कभी नंदलाल रवि के साथ और कभी रामधार कवि के साथ हर कलाकारों में घुल मिल जाते हैं। सुदामा जी की ओर से पुरस्कार आया, आई बबुआ की ओर से बिरहा गायक। अरे भाई सुदामा जी कहने थे और लेकर दिख गए, आशीर्वाद दे रहा हूँ अपने भैया को, लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगा, क्या सबको समझा रहे हैं, गमे मेरे लिखने से, गमे आशिका से पहले तुम्हें कौन जानता था, संतोष पुष्कर बाबू आप बहुत ही सुंदर गायक हैं, आपकी ओर से पुरस्कार आया है और हमारी प्यारी लाडली बहना कांति की ओर से पुरस्कार आया है। ये कांति नहीं बस किस परिवार में क्रांति बनकर के आई, जिसको ज्योति कह लीजिए, ये अपने भाइयों का, अपने माँ का, पापा का पूरा ख्याल करते हुए अपने बच्चों को पालने का काम किया, ये हमारी अच्छा अच्छा भैया त्योहार शाली नहीं लेकिन बस त्योहार शाली है ना, भयो हो ना, तब मैं आशिका से पहले तुम्हें कौन जानता था, और मेरी शांति ने बना दी, ये रामखेर बाबू धन हो, दुनिया जमाना राम फिर को याद कर रही है, लेकिन रामकरण राम वृक्ष भैया और रामधार राही खास तौर से लालू यादव, क्या तुम्हें आशिका से पहले तुम्हें कौन जानता था, मेरी जाति में बना दी, मेरी जाति में बना दी, ए क्या बात है, अरे तुम्हें जिंदगी फसा, मेरी जाति में बना दी, जगदीश बाबू की ओर से स्वर्ण का पुरस्कार आया है, मैं साधुवाद देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ, और जो बड़े लोग बैठे हैं हमारे बीच में उनके चरणों का किशोर कुमार पगला गुलाम हो सकता है,
मोहब्बत का ताबेदार हो सकता है। और हमारी जो प्यारी छोटी बहनें चाहे भाई बैठे हैं, मैं सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन कभी नहीं थे बात और कहता रामधार भैया, मुझे इसका कम नहीं है। प्रवेश कुमार बाबू की ओर से ये पुरस्कार आया है, भैया की ओर से विश्व का पुरस्कार। भैया को जय हिंद। प्रवेश बाबू को मेरा आशीर्वाद, लेकिन कहना है क्या, मुझे इसका कम नहीं है जो बदल गया ज़माना। मुझे इसका गम नहीं है जो बदल गया जमाना, लेकिन अरे मेरे गांवपुर के लोगों, मुझे चाहने वाले लोगों, ये कवि जी कह के चले गए क्या, कि मुझे इसका गम नहीं है जो बदल गया जमाना, लेकिन मेरी जिंदगी है तुमसे, मेरी जिंदगी है तुमसे, और कहीं तुम मेरा छोटा राजन, छोटा अनेक राजेश कुमार रामपुर कवि साहब के आप सुपुत्र, आपकी ओर से ये पुरस्कार आया है। मैं भैया को साधुवाद देता हूँ और पूरी पूरी बहनों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। लेकिन आखिरी बात मेरा कहना है क्या, हमेशा यही कहा करते थे कि दूसरों के काम आना जब नशा बन जाएगा, दूसरों के काम आना जब नशा बन जाएगा, एक दिन सारा जमाना मैकड़ा बन जाएगा। ऐसा क्यों कहते थे, तेरे मुस्कुराहटों के तेरे काम लग चुके हैं, मेरे आंसुओं की कीमत, मेरे आंसुओं की कीमत न लगा सका जमाना, की